गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू सोशल साइंस वर्चुअल क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लेजर टाइम। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ लेजर टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर टाइम? Leisure time means free time. Free time, time spent away from work for entertainment and relaxation. तो जो time हम अपनी study के बाद जिसमें हम अपना entertainment करते हैं या अपने आप को relax करते हैं, that is called the leisure time. In fourth standard, you already studied about the types of games, indoor games and the outdoor games. Indoor games, carom, चेस, लूडो एक्सेट्रा, एंड आउटडोर गेम्स बॉल, बैट बॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, दे ऑल आर द आउटडोर गेम्स। टाइप्स ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज, हेयर आर द टू टाइप्स ऑफ द लेजर टाइम एक्टिविटीज। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एक्टिविटीज। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज मार्शल आर्ट, स्विमिंग, हंटिंग, रेसलिंग एक्सेट्रा। एंड मॉडर्न इज द वीडियो गेम्स, सिनेमा, टेलीविजन, टेनिस, पोलो, बैडमिंटन एक्सेट्रा। बोर्ड गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव इंटरटेन मैनी जनरेशंस ऑफ इंडियन। सम बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज एंड चौपर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी। दे आर स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री along with many new board games like chess, ludo, scrabble, pictionaries, they all are the new board games. Next is the first board game and traditional game board game of India, adu huli atta. In this game of tiger and god of Karnataka help to develop strategy and teamwork. One player control 3 tigers while the other control the flock of 15 gods. तो ये गेम जो है मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ खेली जाती है? कर्नाटका में। एंड नेक्स्ट इज द अलूगुली माने एंड पालनगुली, प्लेड इन तमिलनाडु। ये गेम कहाँ खेली जाती है? तमिलनाडु में। एंड किस चीज़ में हेल्प करती है? हेल्प इन मेंटल कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वन इज द बोट रेसेस। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड टू बी अ स्किलफुल बोटमैन टू क्रॉस रिवर ओवर वाटर बॉडीज। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन। इवन टूडे बोट्स आर एरिया कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। इन रिसेंट टाइम्स मोटराइज बोट्स एंड फास्टर शिप्स हैव मेड द वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। इन ओल्डन टाइम्स बोट्समैन जो थे बहुत स्किलफुल थे। जब भी वो क्रॉस करते थे रिवर को एक साइड से दूसरी साइड, तो वो एक्सपर्ट भी थे, फिशरमैन एक्सपर्ट भी थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बोट्स हैं वो मेन मोड किस चीज़ का है? ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि पीपल फॉर पीपल एंड द गुड्स। बट इन रिसेंट टाइम्स बहुत सारी मोटराइज्ड बोट्स हैं एंड फास्टर शिप्स हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बोर्ड गेम्स, बोट गेम्स कौन कौन सी हैं? पॉपुलर बोट गेम्स रिवर राफ्टिंग, वाटर साइकिलिंग, सेलिंग, दे आर द पॉपुलर स्पोर्ट्स गेम ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। स्नेक बोट, स्नेक बोट ऑफ केरला ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। जो स्नेक बोट है सबसे ज़्यादा कहाँ खेली जाती है? होती है केरला में। ओनम फेस्टिवल होता है केरल के अंदर, तब ये स्नेक बोट रेस वहाँ पे की जाती है। तो थाउजेंड्स ऑफ विजिटर एंड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड जो हैं वहाँ से आते हैं और गेम को देखते हैं। नेक्स्ट इज द मार्शियल आर्ट। प्रैक्टिस ऑफ कम्बैट और सेल्फ डिफेंस
एंड दीज आर बेसिकली ट्रेडिशनल एक्टिविटीज. मार्शल आर्ट एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है. तेंगता इज मणिपुर मार्शल आर्ट. तेंगता जो है वो एक मणिपुर का मार्शल आर्ट है. इट यूजेस ग्रेसफुल मूवमेंट स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर. इसमें स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर का प्रयोग होता है. नेक्स्ट वन इज द कलारी पपाइटू आर द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट. इट प्रैक्टिस्ड इन केरला. इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स किक्स एंड सम वेपन्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है योगा आसन एंड प्राणायाम्स. योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ. योगा हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्दी स्ट्रेस फ्री लाइफ में. बिल्ड एनर्जी. हमारी हमें एनर्जी मिलती है. टोन अवर मसल्स एंड कीप अवर बॉडी फिट. सेकेंड हैंड द प्राणायाम्स रेगुलेटिंग ब्रेथिंग सिस्टम एंड रिलैक्स अवर बॉडी एज वेल एज माइंड एंड ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. थैंक यू स्टूडेंट्स.